हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परवेज आलम आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल डिजिटल भारत में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक अच्छा वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जो रिजल्ट है बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी साल का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत लोगों को दिक्कत आती है जो विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं, जो बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो बीकॉम या बीएससी कर रहे होते हैं, इंटरमीडिएट का रिजल्ट या हाई स्कूल का रिजल्ट तो कोई भी निकाल पाता। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप बड़े क्लासों के रिजल्ट किस तरह निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसे MGP महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, हम इस वीडियो में यही बताएंगे। आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी टाइप करनी होगी, MJPRU, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर गो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे तो और अच्छा रहेगा, RE रिजल्ट MGP रोहिलखंड विश्वविद्यालय रिजल्ट, यानी कि MGPRU रिजल्ट। ये टाइप करने के बाद दोस्तों, आप ये जो साइट खुल रही है यहाँ पर भी आप जाएं। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, आप इस पर क्लिक कीजिए एक बार। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक कर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं और डायरेक्ट अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में जाकर आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.mjpru.ac.in रिजल्ट, इस पर क्लिक कीजिए एक बार। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की जितने भी इस यूनिवर्सिटी में काम होते हैं वो दोस्तों इस वेबसाइट पर जाकर ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तीन चार ऑप्शन आपको दिखाएगा। स्कॉलरशिप 2018 अपडेट एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि जो स्कॉलरशिप भरी गई है बच्चों की, उसमें अपडेटिंग जो हो रही है कॉलेजों की तरफ से वो चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। PhD इंट्रेक्स रिजल्ट, जो PhD के छात्र हैं उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था एडमिशन के लिए, उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके लिए है मेन एग्जामिनेशन एग्ज़ाम रिजल्ट, यानी कि जो मेन ईयरली एग्ज़ाम होते हैं UGPG के, उसका जो रिजल्ट है आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पर क्लिक करना है एक बार। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरह का पेज ओपन होगा, ये दिखा रहा है आपको। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आप दोस्तों अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी क्लास में हैं, अगर आप BS सेकेंड ईयर में, BS में। दोस्तों, ये सब रिजल्ट दिखा रहा है इसके टोटल इस यूनिवर्सिटी के। MA BCOM BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इम्प्रूवमेंट, ऊपर वाला। दोस्तों, आप को सब छोड़ते हुए आपको अपने टॉपिक पर आना है। और ये जो दिया हुआ है BA BSc BCOM पार्ट 1, 2, 3 मेन एग्ज़ाम रिजल्ट 2018, यानी कि जो मेन एग्ज़ाम हुआ था 2018 में BA BSc BCOM के, उसका रिजल्ट यहाँ पर है। इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों एक बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों, आप अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, आप कौन से ईयर का, कौन से पार्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं BA पार्ट 1 कर देता हूँ, अब मैं BA पार्ट का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आप यहां पर अपना रोल नंबर एंटर कीजिए, जो आपका रोल नंबर है, जो आपको मिला है। जैसे मैं रोल नंबर टाइप करता हूं और बात, तो दोस्तों मैंने एक रोल नंबर एंटर कर दिया है, आप भी एंटर इस तरह ही कर सकते हैं। और ऊपर आपको सेलेक्ट कोर्स में अपना पार्ट लेना, पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का या पार्ट 3 का देखना चाहते हैं आप। दोस्तों, मैं पार्ट 1 का देखना चाहता हूँ, और आप उस साल का रोल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे एंटर योर रोल नंबर पर, और यहाँ पर गेट रिजल्ट जो आ रहा है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा।
ये दिखा रहा है दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है बीए सेकंड ईयर का, ये आ चुका है। तो दोस्तों आपका रिजल्ट ये रहा। दोस्तों जिस बच्चे का मैंने ये रिजल्ट चेक किया था वो फेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो उसके नंबर हैं बहुत ही कम है दोस्तों। उसने 400 में से 141 नंबर प्राप्त किए हैं, इसलिए वो फेल है। और उसका जो स्पोर्ट स्टेटस है या फिजिकल है वो क्लियर है, लेकिन वो फिर भी फेल है दोस्तों। एक तो उसकी अनुपस्थिति है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो यहाँ इस पेपर में एब्सेंट रहा था, जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ था उसमें एब्सेंट रहा था। तो दोस्तों आप ऐसे इसी तरीके से किसी का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। हम फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त परवेज को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।